साबूदाना टिक्की बनाने के लिए मैंने 3 आलू लिए हैं उबले हुए। ये 1 कटोरी मैंने साबूदाना लिया जो रात को भिगो दिए थे। ये 2 चम्मच लिए हैं कॉर्नफ्लोर, जिसे हमारा रोट भी कहते हैं। साबूदाना टिक्की में डालने के लिए कुछ मसाले, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच में तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धनिया की पत्ती कटी हुई, 1 हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार। अब मैं इन सारे सामानों को सबको मिक्स करूँगी एक बाउल में। आलू को मैस कर लूंगी। नमक स्वाद के अनुसार देना। सबको मिक्स करिए। एक अच्छी सी डो तैयार हो गई है ओवन पे। अब इसकी टिक्की बनाएंगे। अब मैं इसकी टिक्की तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा हाथ में तेल लगाएंगे, छोटी छोटी लोई लेंगे, फिर गोल गोल घुमाएंगे। हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे इस तरह से। हो गई टिक्की तैयार। इसी तरह बना के मैं सारे तैयार कर लूँगी। हमारी टिक्की बन के तैयार है। अब हम इसको तल के दिखाते हैं। गैस ऑन कर दी मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी तेल। मैं रिफाइंड तेल में बना रही हूँ, आप लोग किसी भी तेल में बना सकते हैं। तो मैं डालूँगी तेल। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे टिक्की। फिर इसको 2 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद इसको लो मीडियम फ्लेम करके आराम से पकाएंगे। अब हम इसको पलटे हैं। दो साइड से वो पल गया है। दोनों साइड से भी अच्छे से। अब हम इसे निकालेंगे। ये बन गई हमारी साबूदाने की टिक्की।